खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आमतौर पर खबरों से दूर रहने वाली लालू की बेटी ने कैसे मीडिया के सामने आकर एक बयान दिया जिससे सेना का अपमान किया, वो भी दिखाते हैं। अक्सर खबरों से दूर रहने वाली लालू प्रसाद यादव की छठी बेटी अनुष्का यादव चर्चाओं में है। चुनावी मौसम में अनुष्का ने पीएम मोदी पर हमला बोलते बोलते भारतीय सेना के शौर्य पर ही सवाल उठा दिए। जैसे कि अभी जो स्ट्राइक हुआ था वो कुछ भी नहीं हुआ था, वो बस एक ड्रामा था। जो स्ट्राइक कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि बीबीसी का जो न्यूज आता है उस रिपोर्ट में आया था कि वहाँ स्ट्राइक तो हुआ ही नहीं है बिल्कुल भी, और वहाँ कोई लोग मरे भी नहीं है। अनुष्का ने ये विवादित बयान हरियाणा के रेवाड़ी में दिया। अनुष्का की शादी हरियाणा के पूर्व मंत्री अजय सिंह यादव के बेटे चिरंजीव यादव से हुई है। फिलहाल अनुष्का सक्रिय राजनीति में नहीं है। और अब एक और सियासतदान का बयान सुनिए। उत्तराखंड के बीजेपी विधायक ने अंबेडकर को राष्ट्रपति का दर्जा देने की मांग की है। उत्तराखंड के खानपुर से बीजेपी के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने महात्मा गांधी की जगह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को राष्ट्रपिता का दर्जा देने की मांग की है। कुंवर प्रणव सिंह ने नोट पर भी अंबेडकर की फोटो लगाने की सलाह दे डाली है। बाबा साहब का इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है और पूरे वर्ल्ड के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का एक नजीर है, तो जो विश्व पुरुष हो, जो विश्व रत्न हो, उनको क्यों ना भारत का पिता बनाया जाए, राष्ट्रपिता बनाया जाए और करेंसी नोट्स पर उनकी फोटो लगाई जाए, क्योंकि गांधी जी का योगदान नहीं था इतना। कुंवर प्रणव सिंह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत नहीं दुनिया का रत्न भी कहा। क्या 23 मई के बाद पश्चिम बंगाल में दीदी की राजनीति खत्म हो जाएगी? जब पीएम मोदी ने ऐसा कहा तो देखिए देश की राजनीति में कैसे उबाल आ गया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी की जंग जमीन के साथ साथ जुबा पर भी खूब चढ़ रही है। पश्चिम बंगाल में श्रीरामपुर की रैली में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को चेतावनी देते हुए कहा कि 23 मई के बाद उनकी पार्टी बिखर जाएगी। दीदी देख लेना, 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे चारों तरफ कमल खिलेगा तो तुम्हारे विधायक भी आपको छोड़कर के भाग जाएंगे। दीदी देख लेना, आज भी दीदी तुम्हारे 40 विधायक मेरे संपर्क में है। वहीं टीएमसी पीएम मोदी के इस बयान को हॉर्स ट्रेडिंग बता रही है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर लिखा, पीएम मोदी के खिलाफ हॉर्स ट्रेडिंग करने के मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की है। कल पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान आसनसोल और बीरभूमि में बीजेपी और टीएमसी समर्थकों में हिंसक झड़प भी हुई थी। चौथे चरण के मतदान में देश ने फिर पश्चिम बंगाल में हिंसा देखी। अलग अलग जगहों से हिंसा की कई घटनाएं सामने आई। हंगामे की तस्वीरें पश्चिम बंगाल के आसनसोल की हैं। चौथे चरण के मतदान में जहां देश भर में पश्चिम बंगाल अव्वल रहा तो हिंसा की इन तस्वीरों ने प्रशासन पर दाग भी लगाए। आसनसोल से टीएमसी उम्मीदवार अभिनेत्री मुनमुन सेन चुनावी हिंसा को मामूली बता रही हैं और पहले के मुकाबले हिंसा को कम बता रही हैं। थोड़ा तो हो गया, हर जगह पे होता है, और लोकसभा इलेक्शन क्यों पंचायत के लिए चाहिए, तो वही बीजेपी ममता सरकार पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगा रही है। लेट्स अंडरस्टैंड कि तृणमूल कांग्रेस का आसनसोल में या बंगाल में जीतने का एक ही रास्ता है कि वो बहुत बड़े पैमाने में वोट लूट करे। चौथे चरण में 9 राज्यों की 71 सीटों पर कुल 64% मतदान हुआ है। किस राज्य में कितना मतदान रहा, सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं। देखिए, यूपी में 57%, बिहार में 59%, मध्य प्रदेश में 67%, राजस्थान में 66%, महाराष्ट्र में 56%, झारखंड में 64%, ओडिशा में 64% और सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 77% यानी कि 77%।
चलिए आगे बढ़ते हैं। काशी में एसपी ने पीएम के सामने पूर्व जवान को अब मैदान में उतार दिया है और लड़ाई कर दी है दिलचस्प। समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव ने वाराणसी में भव्य रोड शो किया। रोड शो करने के बाद शालिनी नामांकन के लिए खुली जीप से उतरी तो पता चला टिकट किसी और को मिल गया है। पार्टी ने आखिरी वक्त में बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर यादव को वाराणसी से टिकट दे दिया, जिसके बाद शालिनी और तेज बहादुर दोनों ने नामांकन किया। मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया था नॉमिनेशन करने के लिए और मैं वो नॉमिनेशन करके आई हूँ और मैं ही पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी हूँ। बताया जा रहा है कि अब शालिनी यादव अपना पर्चा वापस ले लेंगी। चुनाव में सेना और शहीदों का मुद्दा छाया हुआ है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने तेज बहादुर को पीएम के खिलाफ उतार दिया है। तेज बहादुर वही जवान है जो खराब खाने की शिकायत करके चर्चा में आए थे। बाद में तेज बहादुर को बीएसएफ से बर्खास्त कर दिया गया था। मैं सपा के ऊपर सिंबल के ऊपर दाखिल किया है और आगे का फैसला पार्टी जो भी करेगी हमें मंजूर है। शालिनी यादव भी सपा से वो दाखिल की है तो कौन वो कल दाखिल? नहीं, आप बीजेपी से पूछिए ना, उन्होंने दो दो नाम पे दाखिल किया, उनसे क्यों नहीं पूछते आप। कांग्रेस ने वाराणसी से अजय राय को टिकट दिया है। वाराणसी में 19 मई को वोटिंग होनी है। मंच से भाषण देते दिग्गी राजा की सभा में अचानक बिजली गुल हो गई और बिजली गुल होते ही उनका पारा कैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया वो दिखाते हैं आपको। यहाँ पे दो बार मीटिंग हो गई मेरी, जहां मैं जा रहा हूँ बिजली कट रही है। क्या शेड्यूल कट है क्या? कट नहीं है तो यहाँ बिजली कट कैसे रही है फिर? अरे इन्वेस्टिगेशन तो आप करेंगे, लेकिन आपके नीचे के लोग सब गड़बड़ कर रहे हैं, उनके आप क्या नियंत्रण कर रहे हैं आप? भोपाल में बीच सभा में बिजली गुल होने से कांग्रेस नेता दिग्विजय गुस्सा गए। मन से उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन किया। फटकार के दौरान ही बिजली वापस आ गई। जी, हमने आपको फोन लगाया तो वापस आ गई। और फिर दिग्विजय ने आरोप लगाया कि बीजेपी द्वारा रखे गए आउटसोर्सिंग के कर्मचारी बदमाशी कर रहे हैं। ये सब फेल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मचारी, जो खुद बिजली काटते हैं और फिर एसएमएस भेजते हैं। कांग्रेस आई बिजली गई, कांग्रेस आई बिजली गई। दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने भोपाल से टिकट दिया है। बीजेपी ने उनके सामने साध्वी प्रज्ञा को मैदान में उतारा है। भोपाल में 12 मई को वोटिंग होनी है। अब आपको दिखाते हैं क्या हुआ जब भोपाल में दो साध्वियां एक दूसरे से गले मिले। देखिए राजनीति की एक दिलचस्प तस्वीर। साध्वी प्रज्ञा और उमा भारती की ये तस्वीरें चुनावी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। भोपाल से आई इन तस्वीरों में केंद्रीय मंत्री उमा भारती साध्वी प्रज्ञा के पैर छूते दिख रही हैं। दोनों गले मिलते हैं फिर भावुक हो जाते हैं। आखिर दोनों साध्वी भावुक क्यों हो गई? इसका खुलासा खुद साध्वी प्रज्ञा ने एबीपी न्यूज पर किया है। हम सन्यासी आपस में आत्मसात होते हैं, इसलिए जब हम आपस में मिलते हैं तो कभी कभी भावुक क्षण आ जाते हैं। वो हमारा निजी मामला रहता है, हम एक दूसरे के उसमें भाव में रहते हैं। एक बार फिर से नमस्ते भारत में स्वागत है आपका। चुनाव जीतने के लिए नेता कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, कर गुजरते हैं। ऐसी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर हरियाणा के एक दिग्गज कांग्रेसी नेता चुनाव जीतने के लिए साण पूजा कर रहे हैं। चुनाव प्रचार से पहले नेताओं को मंदिर मस्जिद का चक्कर लगाते तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सांड की मूर्ति की पूजा की। कांग्रेस के टिकट पर हुड्डा सोनीपत से चुनाव लड़ रहे हैं और कल वो जींद में रोड शो करने गए थे। इसी दौरान हुड्डा ने कंडेला गांव में सांड की प्रतिमा को पगड़ी पहनाकर पूजा की। लोगों का वो है, एक प्रतीक है क्योंकि वो इस वास्ते उस नंदी ने लोगों को जान से मरने से बचाया, वो आगे खड़े हुए। 2002 में इसी सांड ने किसानों पर गोलियां चला रहे पुलिस वालों को खदेड़ कर भगाया था। इस दौरान सांड को गोली लगी थी और वो मर गया था, जिसके बाद उसकी यहाँ मूर्ति लगाई गई है और लोग इसकी पूजा करते हैं।
कांग्रेस की नेता सुष्मिता देव ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की शिकायत की है। क्यों, देखिए। 17वीं लोकसभा चुनाव के 7 चरणों में से 4 चरणों पर मतदान हो चुका है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस नेता और सांसद सुष्मिता देव ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। सुष्मिता ने आयोग पर पीएम मोदी अमित शाह के शह पर काम करने का आरोप लगाया। और 19 मार्च को निकाला, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने निकाला कि आप सेना को लेकर भाषण नहीं मांग सकते, आप सेना के किसी एक्शन को लेकर आप किसी चुनावी भाषण में उसको संबोधित नहीं कर सकते, पर हो रहा है, तो आप अपना सर्कुलर तो लागू करें। सुष्मिता देव ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और आज सुनवाई होगी। और अब आपको बताते हैं आज बड़े नेताओं की कहां कहां रैलियां हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार के मुजफ्फरपुर में हैं। इसके अलावा यूपी के बहराइच और बाराबंकी में भी प्रधानमंत्री मोदी आज चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बहराइच के बाद बाराबंकी में जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। के बाद बात अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की, जो कि आज एमपी के टीकमगढ़ में एक जनसभा करने जा रहे हैं। टीकमगढ़ के बाद राहुल गांधी जाएंगे दमोह, यहां पर भी उनकी एक रैली रखी गई है। दमोह के बाद राहुल गांधी रवाना होंगे पन्ना,